Hello students, welcome to today's daily current affair video. As you know that healthcare is one of the very interesting topic for UPSC to put questions from. So, aaj ka jo hum current affair topic discuss karenge wo hai pneumonia and diarrhea progress report card. जो 10th रिपोर्ट कार्ड आया है निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, आज उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हेल्थ केयर, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है. चलिए बिफोर वी डिस्कस अबाउट निमोनिया एंड डायरिया, थोड़ा सा इस हेल्थ कार्ड के बारे में बात करते हैं. द निमोनिया एंड डायरिया हेल्थ कार्ड हैज़ बीन रिलीज्ड बाई इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर. ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर, जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जॉन हॉपकिंस हेल्थ सेंटर करके जगह है बाल्टीमोर में, उसके साथ एफिलिएटेड है. हमको ये रिमेंबर नहीं रखना यूपीएससी के लिए. अगर आपको थोड़ा बहुत फिर भी अपनी जानकारी के लिए रखना है तो ये याद रखिए दैट निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हैज बीन पब्लिश बाई इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर. इट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ मोर देन इनफ. नाउ दिस अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको इस रिपोर्ट कार्ड के लिए याद रखना है, वो ये याद रखना है कि IVAC ने ये रिपोर्ट कार्ड 12 नवंबर से जस्ट पहले रिलीज़ किया है. 12 नवंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 12 नवंबर इज़ वर्ल्ड निमोनिया डे. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रिलिम्स न्यूज प्रिलिम्स एग्जाम इज़ दैट 12th ऑफ द नवंबर इज़ द वर्ल्ड निमोनिया डे. चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में, दैट निमोनिया और डायरिया होते क्या हैं. निमोनिया इज नथिंग बट इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर एयर सैक्स इन योर लंग्स. आपके लंग्स में देर आर स्मॉल स्पेसेस जहाँ पे हवा भरती है, वो जो स्पेसेस होते हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन सूज जाती है, उस सूजन को बोलते हैं निमोनिया. हम निमोनिया किन किन तरीके से होता है. निमोनिया एक वायरस से भी हो सकता है, जैसे कि एंथ्रेक्स वायरस कैन रिजल्ट इनटू प्रोग्रेसिव निमोनिया. देन ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया कैन रिजल्ट इनटू निमोनिया. और ये फंजाई की वजह से भी हो सकता है. निमोनिया कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, वायरस, बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई. अभी यूनिसेफ ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी, उसमें जो इंडिया में टोटल निमोनिया की डेथ हुई उसको जब टोटल उन्होंने देखा तो उसमें पाया गया कि 27% निमोनिया के केसेस आउटडोर पोल्यूशन की वजह से हैं, 53 केसेस ऑफ निमोनिया आर बिकॉज ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग, एंड 20% ऑफ द निमोनिया केसेज आर बिकॉज ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज थ्री आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ निमोनिया इन इंडिया. एंड निमोनिया कैन बी कॉज बोथ और कैन बी कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई. ऑलराइट, निमोनिया हैज़ बीन अ कॉज ऑफ मोर देन 14% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन डेथ इन द प्रीवियस ईयर. 2018 में मोर देन 14% ऑफ द ग्लोबल चिल्ड्रन डेथ वॉज बिकॉज ऑफ निमोनिया कॉज बाय आइदर द वायरस, द बैक्टीरिया और द फंजाई. अब थोड़ा सा डायरिया के बारे में बात करते हैं. डायरिया, यू नो दैट इट इज अ नॉन स्टॉपेबल लूज मोशन. व्हेन लूज मोशन, व्हेन योर बावल्स बिकम डिसफंक्शनल सच दैट इट रिजल्ट्स इनटू वेरी वॉटरी डाइट, वेरी वॉटरी स्टूल, इट रिजल्ट्स इनटू डायरिया. डायरिया रिजल्ट्स इनटू डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इनटू अल्टीमेट डेथ. नाउ अगर डायरिया के कॉजेज देखें, डायरिया कैन बी कॉज बाय मल्टीपल रीजंस. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी कॉज बाय वायरस, जैसे कि रोटा वायरस. इट कैन बी कॉज बाय अ बैक्टीरिया, जैसे कि सेल्मोनेला. इट कैन बी कॉज बाय अ पैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल जियार्डिया. ऑलराइट, सो यूपीएससी माइट आस्क यू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोबेबल कॉज ऑफ डायरिया. नंबर वन वायरस, नंबर टू बैक्टीरिया, नंबर थ्री पैरासाइट, ए 1 2 3 बी. इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉजेज ऑफ डायरिया मे बी वायरस, मे बी बैक्टीरिया और मे बी पैरासाइट. तो जब भी वायरस, जब भी डायरिया होता है तो ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ यूज करी जाती है. ORS, oral rehydration solution. It is a solution of electrolytes that maintain the electrolyte balance in the body. And second, next important thing that is given, that is zinc supplement. अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो आपको prelims के लिए याद रखनी है कि zinc supplement क्यों ज़रूरी होता है. Zinc supplement is necessary for protein synthesis in your body. Zinc supplement is necessary for cell growth and cell differentiation in your body. And zinc supplement is very essential to maintain water movement in the intestines of the human body. अब आपको पता है कि diarrhea में mostly your intestines are not able to
absorb nutrition and water, it is excreted out, and ultimately because of dehydration and poor nutrition, the child may pass away. So you provide them zinc supplement, you provide them oral rehydration solution. Now ये जो रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया है इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने, वो इसलिए पब्लिश किया है क्योंकि निमोनिया और डायरिया अकाउंट्स फॉर टोटल 75% ऑफ द चिल्ड्रन डेथ अराउंड द वर्ल्ड. पिछले साल 1,27,000 बच्चों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ निमोनिया एंड डायरिया. दिस इज व्हाई दिस टू डिजीजेज निमोनिया एंड डायरिया आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स. डायरिया से सबसे ज़्यादा डेथ होती है बच्चों की और सेकेंड नंबर पे आता है निमोनिया. सो इस रिपोर्ट कार्ड ने किया क्या, इस रिपोर्ट कार्ड ने 23 कंट्रीज के मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन, जो अपने पुअर चिल्ड्रन इंडिकेटर की जो लास्ट 23 कंट्रीज हैं उनको एनालाइज किया, जिसमें भारत भी आता है. सो मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन इन 23 कंट्रीज वर असेस्ड एंड इट वाज फाउंड दैट इन इंडिया इंस्टेंसेस ऑफ निमोनिया एंड डायरिया दो दे आर हाई बट नाउ दे आर श्रिंकिंग. सो इट्स अ गुड न्यूज दैट वॉज फाउंडेड आउट दैट वॉज फाउंड आउट इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर कि निमोनिया और डायरिया को फाइट करने के लिए ये रिपोर्ट 10 नहीं कुछ इंडिकेटर्स की लिस्ट बताती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, इट कंसिस्ट ऑफ ORS, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक सप्लीमेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इट कंसिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स. दीज 6 आर द इंटरवेंशन विच आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फॉर फाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ निमोनिया एंड डायरिया. अनदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दैट वॉज पब्लिश्ड इन दिस रिपोर्ट इज दैट इन इंडिया मोर देन 55% ऑफ द चिल्ड्रन आर गेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट अमंग दीज 23 कंट्रीज. सो अगर कल कोई स्टेटमेंट आ जाए और यूपीएससी आपसे पूछे ट्रू और फॉल्स, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है दैट द ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया इज हाइएस्ट अमंग द 23 कंट्रीज that is home to the most vulnerable children, it will be a true statement. All right, so this is the important information that we have to remember from our prelims point of view about the pneumonia and diarrhea progress report. That was the 10th report that was published before this 12th November 2019. All right, so this is all what is important. थोड़ा सा फर्दर आप सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ. ट्राई टू लुक फॉर द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन और द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हु आर सफरिंग फ्रॉम चाइल्ड वेस्टिंग. ये मैं आपको बता सकता हूँ बट व्हाट्स द फन इन दैट, लेट योर सेल्फ एक्सप्लोर दैट. ऑलराइट, थोड़ा सा गूगल आप खुद भी करिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, आई विल सून सी यू विद अ न्यू वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय. एंड जस्ट on the, before concluding, one thing to note that our prelims comprehensive course has been released. The demo lecture of the first component, that is environment, is there on the YouTube platform of our channel. Please do view it. If you find that your preparation is lacking in prelims, do bank upon us, give us the opportunity to help you clear the prelims examination. That's all from my side. Have a great day ahead. Take care, bye.